नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ 20 फरवरी विकास खंड पवई में भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अधीन कार्यरत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को कानपुर द्वारा एवं एडिप योजना के अंतर्गत एवं जिला प्रशासन आजमगढ़ के निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन सांसद लालगंज श्रीमती संगीता आजाद, विधायक फूलपुर अरुण कांत यादव के प्रतिनिधि रामजी यादव की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर सांसद लालगंज द्वारा बताया गया कि दिव्यांगजनों की सहायता हेतु लगातार भारत सरकार से प्रयास किया जा रहा है। माननीय विधायक के प्रतिनिधि रामजी यादव द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिव्यांगजनों को सम्मान दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है और दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत शासकीय भवनों में दिव्यांगजनों हेतु बाधा रहित वातावरण, कर सृजन तथा दिव्यांग शौचालय, रैंप आदि का निर्माण किया जा रहा है। खंड विकास अधिकारी रवि कुमार रंजन द्वारा बताया गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सहायक उपकरण प्राप्त करने वाले लाभार्थी सक्षम हैं, समर्थ हैं। इन्हें सहायक उपकरणों के माध्यम से लाभार्थियों को स्वावलंबी और सशक्त करने, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक प्रयास है। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के हितार्थ उपकरण वितरण योजना के अंतर्गत पूरे जनपद में चिन्हांकन शिविर का आयोजन कराया गया है व उपकरण वितरण का कार्यक्रम कराया जा रहा है। न्यूज 9 भारत के लिए प्रशांत शुक्ला की खास रिपोर्ट।